हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज फ्रेंड मैं आपको एक बैंक बताऊंगा जिसमें आप लोग रिटायरमेंट के लिए पैसा लगा सकते हो, वेल्थ क्रिएट करने के लिए पैसा लगा सकते हो, घर बंगला खरीदने के लिए भी पैसा लगा सकते हो। इस कंपनी में मैं खुद भी इन्वेस्ट किया हूँ और मेरा तो बहुत पुराना इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में। और देखो, ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न बना के देगा, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग इस कंपनी में पोजीशन बनाए तो कभी भी सेल ना करें, सेल करने के बारे में ना सोचे जैसा मैं नहीं सोचा हूँ। और अच्छा खासा जब रिटर्न मिलता है तो फिर मन भी नहीं करता है सेल करने का। तो ऐसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, आपका लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होगा। आप अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देख लेता हूं। और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक बार उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिएगा, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिएगा, उनके मैनेजमेंट के बारे में पता कीजिएगा, पिछला परफॉर्मेंस भाई देखिएगा, तभी जाकर उसमें पोजीशन बनाइएगा। अगर आप लोग आंख मूंद के खरीद लेते हो तो भाई पैसा नहीं बनने वाला है। लेकिन आप लोग मानते कहाँ हो, मैं तो कितना बार बोलूँ, मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ, फिर भी आप लोग गंदे गंदे स्टॉक में फंसे रहते हो और मुझे काफ़ी गुस्सा आता है। तो देखो, नेट सेल टर्नओवर दिसंबर 17 में था वो 4286.78 था दिसंबर 17 में, और दिसंबर 18 में हो चुका है वो 5763.47 हो चुका है। और किसी भी क्वार्टर में इसका नेट सेल नहीं कम रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी काफ़ी ज़बरदस्त है। दिसंबर 17 में जो टोटल इनकम था वो 5473.54 था दिसंबर 17 में, और दिसंबर 18 हो चुका है वो 7232.32 हो चुका है, और ये भी किसी ईयर में कम नहीं रहा है। तो मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार है। दिसंबर 17 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 2633.74 था दिसंबर 17 में 2633.74 था, और दिसंबर 18 में हो चुका है वो 3516.81 हो चुका है, और किसी भी क्वार्टर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कम रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एबिटा देख लो, एबिटा भी इसका शानदार है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। दिसंबर 17 में जो एबिटा था वो 3820.50 था दिसंबर 17 में, और दिसंबर 18 हो चुका है वो 4985.66 हो चुका है, और ये भी किसी भी क्वार्टर में कम नहीं रहा है। तो मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज काफ़ी शानदार दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ये देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस और देर भाई काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए, दिसंबर 17 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दिया था वो 1172.41 था दिसंबर 17 में 1172.41 था, और दिसंबर 18 में हो चुका है वो 1591.71 हो चुका है। तो देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस वो देख कितना ज़बरदस्त है और किसी भी क्वार्टर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। रिपोर्टेड पैड देख लो, पैड भी भाई काफ़ी शानदार है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। दिसंबर 17 में जो पैड था वो 936.25 था दिसंबर 17 में, और दिसंबर 18 में हो चुका है वो 985.03 हो चुका है। तो देख लो भाई, पैड भी भाई काफ़ी शानदार है। तो मुझे इसका क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं भाई। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख ले रहा हूँ। पहले आप क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देख रहे थे, तो देखिए मार्च 14 में जो नेट सेल था वो 8253.53 था मार्च 14 में 8253.53 था, और मार्च 18 में हो चुका है वो 17280.75 हो चुका है। तो देख लो इसका नेट सेल कितना ज़बरदस्त है और किसी भी ईयर में इसका नेट सेल नहीं कम रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी काफ़ी ज़बरदस्त है भाई। मार्च 14 में जो टोटल इनकम था वो 10144.06 था मार्च 14 में 10144.06 था, और मार्च 18 हो चुका है वो 22030.85 हो चुका है। तो देख लो भाई, कितना जबरदस्त इसका टोटल इनकम नेट सेल्स है
और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा। अगर आप लोग भाई ऐसी कंपनी में पोजीशन बनाते हो जिसका रिजल्ट काफी अच्छे आते हो तो भाई पैसा बनेगा, कंसिस्टेंट पैसा बनेगा। और मैं दिल से चाहता हूँ आप लोग उस कंपनी में पोजीशन बनाए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ईयर टू भाई काफी जबरदस्त है। मार्च 14 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 803.58 था, मार्च 14 में 803.58 था, और मार्च 18 हो चुका है वो 2117.64 हो चुका है। तो देख लो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना जबरदस्त है, 803 से 2117 हो चुका है। एबिटा देख लो, एबिटा भी भाई काफी शानदार है। मार्च 14 में जो एबिटा था वो 8056.93 था मार्च 14 में, और मार्च 18 हो चुका है वो 16651.05 हो चुका है। तो देख लो भाई एबिटा कितना जबरदस्त है, और किसी भी ईयर में इसका एबिटा भी नहीं कम रहा है। तो मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा ईयर टू भाई काफी जबरदस्त दिखाई दे रहा है, और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस ये देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर भाई काफी शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 14 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 1408.02 था मार्च 14 में, और मार्च 18 हो चुका है वो 3605.99 हो चुका है। तो देख लो भाई प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जबरदस्त है, 1408 से 3605 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है। रिपोर्टेड पैड देख लो, पैड भी भाई काफी शानदार है। मार्च 14 में जो पैड था वो 1408.02 था मार्च 14 में, और मार्च 18 हो चुका है वो 3605.99 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है। एनुअल ईपीएस देख लो, एनुअल ईपीएस भी काफी बढ़िया है भाई। मार्च 14 में जो एनुअल ईपीएस था वो 26.80 था, मार्च 14 में 26.80 था, और मार्च 18 हो चुका है वो 60.08 हो चुका है। तो देख लो भाई एनुअल ईपीएस 26 से 60 हो चुका है। तो आप लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाइए, बहुत ही अच्छा ये कंपनी रिजल्ट पेश करती है। इंडसइंड बैंक लिमिटेड अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, और आगे भी फ्रेंड इसी टाइप से ये कंपनी रिटर्न बना के दे सकता है। तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 4544.12% रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न है वो 258.77% रिटर्न है। इस कंपनी फ्रेंड मैं भी पोजिशन बना के रखा हूँ पिछले 6-7 सालों से, मुझे तो बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला है, और आपको भी रिटर्न मिलेगा। इस कंपनी फ्रेंड खासियत ये है ना कि ये आपको पोर्टफोलियो को डैमेज नहीं होने देगा। इसमें मैं देखा हूँ कि बहुत कम गिरावट होता है। अभी हाल ही में जब गिरा था मार्केट तो ये स्टॉक 1500 के आसपास गया था, नोटबंदी जब हुआ था तो उसमें भी ये स्टॉक 50-60 रुपये गिरा था। 2015 में भी ये स्टॉक 800 का था, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टॉक 685 के आसपास आया था, उससे पहले भी ये स्टॉक गिरा था। तो बहुत कम गिरता है ये स्टॉक फ्रेंड, इसलिए मुझे ये कंपनी बहुत ही पसंद है। अच्छा रिजल्ट पेश करती है, हर क्वार्टर इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो खरीदिए, ये आपको कंसिस्टेंट रिटर्न बना के देगा। 3 ईयर में देख लो, 3 ईयर में भी ये कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया, 83.75% रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न है 53.26% रिटर्न है। तो 3 साल में फ्रेंड आपको यहाँ पर रिटर्न 83% का लग रहा होगा, लेकिन अगर आप 5 साल का रिटर्न देखोगे तो बहुत ही अच्छा है। मेरे पास ये स्टॉक है तो मुझे पता है भाई, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी। 1 ईयर में देख लो, 1 ईयर में रिटर्न है वो -2.70% रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न है वो 14.49% रिटर्न है। ईयर टू डेट में देख लो, ईयर टू डेट में रिटर्न है वो 13.56% रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न है वो 8.89% रिटर्न है। 1 मंथ में देख लो, 1 मंथ में रिटर्न है 6.77% रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न है 3.29% रिटर्न है। 1 वीक में देख लो, 1 वीक में रिटर्न है वो 2.70% रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न है 0.86% रिटर्न है। 1 डे में जो रिटर्न है वो 3.96% रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न है वो 0.95% रिटर्न है। इंडसइंड बैंक का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न बता दे रहा हूँ। तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 16.8% का होल्डिंग है, FIS का जो होल्डिंग है वो 53.53% का होल्डिंग है। ये जो कंपनी है फ्रेंड वो FIS के पसंदीदा स्टॉक में शामिल है। और भी मैं आपको कुछ स्टॉक का नाम बता दे रहा हूँ जो FIS की पसंदीदा है, तो उसमें फ्रेंड यस बैंक का भी नाम शामिल है, इंडसइंड बैंक का तो नाम है ही, RBL बैंक हुआ, हाल ही की लिस्टिंग जो कंपनी है, HDFC, बजाज फाइनेंस, और भी कई कंपनी है जिसको FIS पसंद करते हैं।
म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है वो 8.31% का है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है 0.85% का है, अदर डीए पर जो होल्डिंग है 0.59% का है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है वो 19.92% का है, कोई भी शेयर इंडसइंड बैंक का प्ले नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वैल्यूएशन भी मैं आपको इंडसइंड बैंक का दिखा दे रहा हूँ, तो देखो पी रेशियो है इंडसइंड बैंक का वो 27.58 का पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 4.24 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड जो है इंडसइंड बैंक का वो 0.42% का है, आरओई जो लेटेस्ट है वो 15.36% का है, आरओ जो लेटेस्ट है वो 1.57%। वैल्यूएशन यहाँ पे देख लो एक्सपेंसिव बता रहा है, फेयर जो वैल्यूएशन होगा फ्रेंड वो 1265 से 1675 के बीच फेयर वैल्यूएशन होगा, तो आप इस कंपनी में पोजीशन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर करंट प्राइस पे खरीद लेते हो तो आपका पैसा बनेगा, और ये स्टॉक फ्रेंड अब चलना अब ये स्टार्ट हो चुका है तो खरीदिए, नहीं तो फिर ये छूट जाएगा। क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देख लो यहाँ पे क्वालिटी गुड बता रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ है 5 ईयर का वो 25.30% का, नेट प्रॉफिट ग्रोथ और 5 ईयर है 24.17% का है, ग्रॉस एनपीए लेटेस्ट देख लो 1.13% का है। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जिस भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी का एनपीए 6% से ज्यादा हो आप लोग उस कंपनी में भूल कर भी इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आपका पैसा नहीं बन पाएगा, आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे भी देख सकते हो इंडसइंड बैंक ने किस टाइप से रिटर्न बना के दिया है, तो देख लो 10 साल में रिटर्न है वो 4544% रिटर्न है, 5 साल में 272% रिटर्न है, 3 साल में 83% रिटर्न है, तो देखो कितना अच्छा ये कंपनी रिटर्न बना के दे रही है, तो आप लोग उस कंपनी में पोजीशन बनाएं, सुरक्षित कंपनी है, आपको एनुअली 30-35% रिटर्न बना के दे सकता है। इंडसइंड बैंक का 52 वीक हाई है वो 2037.90 रुपया, 52 वीक लो है 1333.90 रुपया। सेंटीमीटर की बात करूँ तो 63% नंबर है बाई कीजिए, 37% ओवर है सेल कीजिए। इंडसइंड बैंक का मार्केट कैप देख लो, अच्छा खासा मार्केट कैप है, ये एक लार्ज कैप कंपनी है भाई, 1,09,471.39 का मार्केट कैप है, पी जो है इंडसइंड बैंक का वो 28.11 का पी है, इंडस्ट्री जो पी है वो 38.58 का, तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले इंडसइंड बैंक का पी कम है। अर्निंग पर शेयर देख लो कितना जबरदस्त है, 64.59 का अर्निंग पर शेयर है, फेस वैल्यू 10 का है, तो आप इस कंपनी में पोजीशन बनाइए लॉन्ग टर्म के लिए, आपका वेल्थ क्रिएट होगा भाई। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना, बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा, और आप अपने पोर्टफोलियो में इंडसइंड बैंक को ऐड कीजिए, आरबीएल बैंक को ऐड कीजिए, यस बैंक को ऐड कीजिए, और भी कई सारी बैंक में बता चुका हूँ जैसे HDFC बैंक, ये सब को भी ऐड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में ये सभी कंपनी फ्रेंड बहुत ही अच्छा करेगी। धन्यवाद।